सभापति महोदय, नगर निगम शिमला की तृतीय साधारण बैठक जो दिनांक 26/7/2023 को हुई थी कि कार्यवृत्ति एवं सभापति द्वारा हिमाचल प्रदेश में हुआ है और शिमला भी इससे छूटा नहीं रहा है, तो वही मुद्दे को लेकर जो है पार्षद यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर को घेरने की कोशिश यहाँ पर पार्षद द्वारा की जा रही है, ये देख सकते हैं आप। प्रश्नकाल जैसे नगर निगम की शुरुआत हुई है, ये देख सकते हैं। 233 श्रीमती आशा शर्मा माननीय पार्षद तो जिस तरह से कृष्णानगर में एक स्लॉटर हाउस इस बारिश की भेंट चढ़ गया था, उसको लेकर यहाँ पर ये फोटो में का जो पार्षद जो स्थानीय पार्षद है कृष्णानगर के बिट्टू कुमार और नगर निगम के जो मेयर हैं उनकी बीच ये तीखी नोकझोंक यहाँ पर हुई। लेकिन जिस तरह से मेयर ने कहा कि जो है आप तो अभी प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद इन मुद्दों को उठाया जाएगा। जितने भी सामुदायिक भवन हमने शिमला में डिफरेंट पार्ट में टेंडर पे दिए हैं, उसमें रख रखाव और साफ सफाई की व्यवस्था उसी वेंडर को करनी है जिसको वे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, चाहे वो टॉयलेट नए बनाने होंगे या कोई नई कंस्ट्रक्शन करनी होगी, उसका अलग से टेंडर MC निकाले। सर मैं इसमें बोलता था, हमारा सभापति महोदय, जो रेट है वो तो टेंडर में ही डिसाइड किए हैं उन्होंने, 5,000 पर डे के हैं, और उसके अतिरिक्त जो बाकी खर्चा होता है उसका बनाने का जो खाने का वो अलग से वो सर उसमें मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने पीछे भी हाउस में ये कम्युनिटी सेंटर के लिए बात की थी, अभी जैसे
अब हमारे वर्षा के कारण जो आपदा आई है उसमें नजर आप डालें, आज हमको जो जरूरत पड़ी हमारे 8 भवन वहां पर खाली कराने पड़े, 20 लोगों के घरों में मातम जा गया। अब उन लोगों को जो रिश्तेदार आ रहे थे कहां रखे उनको, मेरा पहले ही सबसे निवेदन था कि जो कम्युनिटी सेंटर है ये कोई कानून नहीं है कि ठेके पे दे जाए, कहीं भी कहीं कानून की किताबों में नहीं लिखा गया। ये कम्युनिटी सेंटर अगर आप लोगों ने बनवाए हैं ये लोगों के हित में होने चाहिए, लोगों को समर्पित होने चाहिए, उसमें नगरीन को घाटा हो जो मर्जी हो, लोगों की संपत्ति हो। सामुदायिक भवन का मतलब चाहिए, वो कोई वो नहीं है। अभी हमारी रिपोर्ट थी अभी इस हाउस में, उसको मेंशन भी नहीं किया गया कि इसमें आपका जो है रिपोर्ट दे दी है नहीं दी, हमने उसमें रिपोर्ट दे दी है, अभी इसमें मेंशन भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे सभी से ये चाहूंगा कि ये लोगों की संपत्ति है और उसमें आपकी वार्ड सभा होनी है, हम कहां करें, सड़कों पर बैठे। अभी समरिल के अंदर हमें इतना देखना पड़ा, हम बिजी थे वहां, आपको पता कितना हमारे होता, हम कहां खड़े हैं लोगों को, हमारे लोगों ने मदद की, स्थानीय लोगों ने मदद की, इसे घरों में डरा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सामुदायिक भवन चाहे ठेके पे जिसको दिए उसको वापस लिया जाए और ये लोगों की प्रॉपर्टी है, लोगों के पास रहती है, उसको MC खुद चलाए और चलाने के लिए हम सक्षम है। अगर बिल्कुल चलते थे हमारा ये आपसे कहना और हाउस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। हमने देख लिया था उसको, दिया आज अपने कल अपने चार साहब है नहीं तो बैठे मीटिंग में, हमने देख लिया स्टूडेंट एक स्टूडेंट है नहीं ना बैठे नहीं हमारे समरीन का जिसको ठेकेदार को दिया सर वो डिफॉल्टर है, उसने 4-9 लाख 7-8 लाख को कॉर्पोरेशन को देना है। सभापति महोदय मैं आपके प्रश्नकाल चल रहा है नगर निगम शिमला था जिसमें मुद्दा उठाया कि जो सामुदायिक भवन शिमला नगर निगम के दायरे में बने हुए हैं उनको जिस तरह से कुछ सामुदायिक भवन को ठेके पर जो है वो सब आगे दिया गया है और जिस तरह से त्रासदी हुई है शिमला आगे समरेल की घटना हो या कृष्णा नगर की घटना हो, कई लोग बेघर हुए हैं, ऐसे में इन सामुदायिक भवनों का जो है वो प्रयोग हो सकता है, इनका इस्तेमाल हो सकता है, लोगों को वहां पर ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर ठेके पर समुदाय भवन दिए जाएंगे तो ऐसे में दिक्कत रहती है कहां पर लोगों को जो है वो बसाया जाना। देखिए पार्षद हैं ये वीरेंद्र ठाकुर और CPIM के पार्षद हैं और ये मुद्दा उठा रहे हैं। जिनको आपने रिपोर्ट दी है ना उनको बुलवाइए, बोलो बुलाओ। पढ़ाई कहीं पहुंचे नहीं, बता दिया कि कोई रिपोर्ट मेरा नहीं पहुंची, लेकिन हमने सबमिट कर दिया सर, उसको मुझे हमने सबमिट किया। तो मेरा कहने का सब साथ सुन के मेरा निवेदन है, मेरा आपको मुझसे कहना है कि सामुदायिक भवन की परिभाषा बता रहे कि हमें सामुदायिक भवन होता क्या, ये लोगों के लिए समर्पित है, ठेके पे नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें तो रखो प्रभा तो हमारे पास है। कम्युनिटी वाइज रन कर सकते हैं आप MC आप भी कम्युनिटी रन करेंगे वर्मा जी? हाँ सर, आपके तीन वार्ड पड़ते हैं तो कमेटी बना के वो चला सकते हैं? हाँ चला सकते हैं सर, क्यों नहीं चला सकते, ठाकुर जी बिल्कुल रात है, क्यों नहीं चला सकते ना। तो और रेट मेरे साथ मेरा सभापति महोदय मेरा कहना ये है कि समुदाय भवन का मतलब क्या है, मैं तो ये सब नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपने यहाँ से हमने कर दिया फिर वहाँ पे उसको रन करने के लिए कई तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं उसको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, पेमेंट किस बात की करना सर, नहीं जो चलाएगा आपको जो शादी ब्याह करेगा उसकी पेमेंट करनी है, बाकी तो मतलब नहीं इसकी मेंटेनेंस पर नहीं एक लेडी के बस पर है वो काम करना रखी का है
एक क्लर्क दिए सर उसके लिए, तो ऑनलाइन आजकल बुकिंग होती है, ऑनलाइन सारी बुकिंग होती है। सर हमारे पास सुपरवाइजर है, हमारे पास सुपरवाइजर होता है वार्ड में, हमारे पास दूसरे जो लोग हैं सुपरवाइजर होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, वहाँ पर लोग नहीं हमारे पास तो अब फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, ताजा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहेंगे आपके सही हिमाचल के साथ।